Hey all colleagues there, welcome back to our channel. आज हम बनाने जा रहे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सब्जी जो है स्टफ्ड लीची की सब्जी. सो इससे पहले कि लीची का सीजन चला जाए, चलिए बनाते हैं ये अमेजिंग सी लीची की सब्जी जो खा के सब आपके फैन हो जाने वाले हैं. इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए लीची, ऐसी लीची लो कि जो कि साइज में थोड़ी बड़ी हो, और इसे आपको पील कर लेना है. अब एक चक्कू की मदद से आप इसके जो बीज हैं उसे साइड से रिलीज करेंगे और बहुत ही धीरे से इसके सारे सीड्स रिमूव कर लेंगे. सीड्स रिमूव करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो लीची है वो आपकी टूटे नहीं. अब हम बनाएंगे इसकी बहुत ही सिंपल सी स्टफिंग, जिसमें मैंने लिया है पनीर, नमक, लाल मिर्च पाउडर व गर्म मसाला, और इसमें डालेंगे बेसन बाइंडिंग के लिए. सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से अच्छी तरीके से लीची के अंदर स्टफ कर देंगे. ये देखिए लीची स्टफ होके रेडी है. इसे साइड पे रखते हैं और बनाते हैं इसकी ग्रेवी. ग्रेवी के लिए एक मिक्सर जार में हम ग्राइंड करेंगे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, काजू और मगज तरी या मेलन सीड्स. इसे अच्छे से फाइनली प्यूरे करना है. अब एक पैन लेंगे और उसे अच्छे से गरम कर लेंगे. फिर इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा तेल और बटर. साथ ही इसमें जाएंगे थोड़े खड़े मसाले जैसे कि जीरा, तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च. जब हमारा जीरा कड़कने लग जाए इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे पीसे हुए प्याज टमाटर का. इसे एक स्टर देंगे. अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर. मैंने यहाँ पे दो तरह की लाल मिर्च पाउडर यूज करी है, एक रेगुलर और एक कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए. फिर इसमें जा रहा है थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा किचन किंग पाउडर भी मैंने ऐड किया है यहाँ पे टेस्ट के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब इस ग्रेवी को आपको कुक होने देना है जब तक कि जो ऑयल है वो रिलीज़ नहीं हो जाए. जब इसमें से सारा ऑयल रिलीज हो जाएगा मतलब कि हमारी ग्रेवी कुक हो गई है. मैं इसे कवर कर रही हूँ सो दैट जो स्प्लटर है ग्रेवी का वो सब जगह उछले नहीं, और इससे आप कुकिंग प्रोसेस भी फास्ट कर सकते हो. यहाँ पे हमारी ग्रेवी ड्राई हो गई है. इसमें अब हम ऐड करेंगे मलाई, और मलाई डालने के बाद वापस से इसे पकाएंगे. अगेन हमें ध्यान रखना है ग्रेवी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि उसमें से घी नहीं छूट जाए. ये देखिए ग्रेवी कुछ आपकी इस तरह से दिखेगी. इसका घी छूट गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आ गया है. नाउ लास्टली हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए. आप चाहें तो दूध और पानी का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें हम ऐड कर रहे हैं कस्तूरी मेथी, गरम मसाला और किचन किंग पाउडर भी, और इसे एक क्विक मिक्स देंगे. लास्ट में किचन किंग मसाला और कस्तूरी मेथी डालने से एक बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर आता है आपकी सब्जी में. अब इसमें ऐड कर देंगे हमारी स्टफ करी हुई लीची. और इसे 5-7 मिनट ढककर पकने दें. ये देखिए लीची हमारी अच्छे से पक गई है और कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ये. एक क्विक स्टर देंगे, फाइनली फिनिश करेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती के साथ, और इस सब्जी को आप सर्व कर सकते हो अपने फेवरेट राइस या पराठे के साथ. मैं इसे यहाँ पे पेयर कर रही हूँ लच्छा पराठा के साथ. एंड डू ट्राई दिस रेसिपी. अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये रेसिपी शेयर करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैप्पी कुकिंग.